हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स लिविंग एंड नॉन लिविंग बच्चों हमारे आसपास बहुत तरह की चीजें हैं जो कि मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है लिविंग और ंग लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स एंड पीपल आर लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स कैन ग्रो ऑन देर ओन बच्चों प्लांट्स एनिमल्स और हम लोग लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं हम अपने से बढ़ सकते हैं अ स्मॉल प्लांट ग्रोस टू बिकम अ बिग ट्री एक छोटा सा पौधा बड़ा सा पेड़ बन जाता है अ पपी ग्रोज अप टू बिकम अ डॉग एक छोटा सा पापी जब घर लेके आते हैं कल जब आप बड़े होंगे तो मैन बन जाएंगे वॉट एल्स कैन लिविंग थिंग्स डू लिविंग थिंग्स क्या क्या काम कर सकते हैं लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ लिविंग थिंग्स कैन ईट लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन their ओन लिविंग थिंग्स कैन फील लिविंग थिंग्स कैन गिव आउट वेस्ट लिविंग थिंग्स कैन हैव बेबीज लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं अपने से खाना खा सकते हैं और अपने से कहीं इधर उधर मूव भी कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को फील होता है यानी उन्हें दर्द भी होता है वो हँसते भी हैं रोते भी हैं लिविंग थिंग्स कैन गिव आउट वेस्ट यानी वो अपने से वॉशरूम भी जा सकते हैं और लिविंग थिंग्स अपने बेबीज भी आगे चल के पैदा कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट ब्रीथ और फील दे कैन नॉट मूव और ग्रो दे ऑल्सो नॉट हैव बेबीज बच्चों इसका मतलब है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से खाना नहीं खा सकते सांस नहीं ले सकते और वो किसी भी तरह की उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती और वो अपने से ग्रो भी नहीं कर सकते और उनके बच्चे भी नहीं हो सकते इन्फोबिट नैचुरल थिंग्स कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बट ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लेकिन जो मैन मेड चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर दीज आर नॉट मेड बाय मैन नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की हैं नैचुरल थिंग्स और जो कि ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया नेचर ने हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो कि ह्यूमन बींग ने नहीं बनाई है जैसे माउंटेन्स एंड क्लाउड्स ये हमें गॉड ने दिया है मून एंड स्टार्स ये भी नहीं है ये भी नेचर ने दी ने है ये ह्यूमन ने नहीं बनाया है मैन मेड थिंगस आर नॉट फाउंड इन नेचर दीज आर मेड बाय मैन मैन मेड थिंगस जो है वो नेचर में नहीं मिलती वो सिर्फ ह्यूमन बींग ने बनाया है जैसे टेबल एंड चेयर जिस पर आप बैठ करके बुक पढ़ते हैं खाना खाते हैं वो भी मैन मेड है बुक्स जो आप पढ़ते हैं बुक भी मैन मेड है टॉय ट्रेन जिस पर आप बैठ करके वेकेशंस में बाहर घूमने जाते हैं ये भी मैन मेड है टर्म्स टू रिमेम्बर लिविंग अ लाइव नाउ नॉन लिविंग थिंग्स विच डू नॉट द बॉडी नेचुरल थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स Found in nature but not made by man. Man-made things, non-living things that are made by man. Living यानी कि जो जीवित हो non-living जिसमें कोई जीवन नहीं हो Breathe यानी कि जो हम सांस लेते हैं in or out करते हैं उसको सांस लेना यानी breathing बोलते हैं Natural things जो चीज़ें हमें भगवान ने बना करके दी है जिसमें जिसको ह्यूमन being ने नहीं बनाया है मैन मेड थिंग्स वो होता है जिसको ह्यूमन being ने बनाया है नाउ आई नो थिंग कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं लिविंग थिंग्स कैन ग्रो ऑन दर ओन दे कैन ब्रीथ ईट मूव एंड फील दे कैन गिव आउट वेस्ट एंड हैव बेबीज लिविंग थिंग्स खुद से ग्रो कर सकते हैं और सांस लेते हैं खाते हैं चलते हैं और फील कर सकते हैं और वो बेबीज भी दे सकते हैं

आज इस चैप्टर में बस इतना है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे